हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की एक ख़ास रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना बहुत ही आसान है, जिसका नाम है अफ़गानी पनीर। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन गर्म होने के लिए रख दिया है। बर्तन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच तेल डाल दिया है। अब तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा। इस तरह से हमने यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े में इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के दो प्याज लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। ये लहसुन की 7 से 8 कलियाँ हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। तो मिर्च हमने यहाँ पर 5 से 6 मिर्च लिया है। आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो हमें ख़त्म कर लेना है। यहाँ पर हमने 2 मिनट तक पका लिया। इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हमने यहाँ पर पनीर ले लिया है। तो ये 250 ग्राम पनीर है, इसे हमने ऐसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया है। इसकी जगह पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 चम्मच तेल। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो हमें इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख देना है। इसे हम साइड में कर देंगे। और यहाँ पर हमने जो अभी प्याज लहसुन को पकाया था वो ठंडा हो गया है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक जार लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सब डाल दिया है प्याज लहसुन को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। ये रेगुलर चम्मच से डबल है, तो हमने यहाँ पर भरकर 2 चम्मच दही लिया है। अगर आप रेगुलर चम्मच ले रहे हैं तो आप 4 चम्मच इसमें दही ले लें और इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो हमने यहाँ पर सारा पेस्ट निकाल लिया है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये होममेड सब्जी मसाला है। इसकी जगह पर आप यहाँ पर धनिया पाउडर ले सकते हैं, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसको धुलेंगे इस तरह से। इसमें जो पेस्ट लगा हुआ है इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने बर्तन गरम कर लिया है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे तेल। तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसे हम फ्राई करेंगे, बहुत ही सावधानी से, नहीं तो पनीर टूट सकती है। ये देखिए इस तरह से हम एक एक पनीर को पलट देंगे। ये देखिए इसी तरह से इसे पलटना है। नहीं, ये देखिए इस तरह से ये टूट सकती है पनीर, तो इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से पलटना है पनीर को।
इसी तरह से पलट के हम इसे दोनों साइड से हल्का हल्का फ्राई कर लेना है कलर चेंज होने तक। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। ये देखिए तो हमने यहाँ पर पनीर को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम फिर से बर्तन को गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा तेल। तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और यहाँ पर जीरा, लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तो दो तेज़ पत्ता हमने यहाँ पर लिया है, फ्रेश तेज पत्ता है ये। तो हमने यहाँ पर तेज पत्ता का एक पौधा गमले में लगा कर रखा था, उसमें से हमने दो तेज़ पत्ते तोड़कर इसमें डाल दिए हैं और इसे हम फ्राई करेंगे। आप इसमें नॉर्मल तेज़ पत्ता ले सकते हैं। इसे हम भून लेंगे। इसके बाद हमने जो मसाला रेडी करके रखा हुआ है इसे डाल देंगे और इस मसाले को हम एक मिनट के लिए ऐसे खुला ही भूनेंगे लो फ्लेम पर। तो हमें ऐसे चलाते हुए मसाले को भून लेना है। यहाँ पर हमने इसे एक मिनट तक भून लिया है। ये देखिए अब इसे हम ढक देंगे। तो ढक कर हमें इसे दो मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। दो मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें मसाले को ऐसे ही खुला ही तेल छोड़ने तक पका लेना है। यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है, ऊपर मसाले के तेल दिखने लगा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है, इसमें डाल देंगे। ये देखिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे फिर इसमें पूरा पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक गिलास पानी लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे उबाल आने तक ढक देंगे। सब्ज़ी में उबाल आ गया है, इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से और इसे हम फिर से ढककर दो मिनट तक और पका लेंगे। ये देखिए ग्रेवी थिक हो जाने तक हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे दो मिनट और पका लिया है। दो मिनट बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये देखिए जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा था इसमें डाल देंगे और पनीर को हम ऐसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको काजू पसंद है सब्ज़ी में तो आप इसमें 8 से 10 टुकड़ा काजू के डाल दें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे ढककर एक मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ताकि पनीर में मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो हमने यहाँ पर पनीर को डालने के बाद एक मिनट तक और पका लिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। मैं इसे आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ढक दिया था। 5 मिनट बाद ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। तो इसे आप तुरंत ही सर्व ना करें, थोड़ी देर के लिए इसे 2 से 5 मिनट तक ढक दें। हमने यहाँ पर सब्ज़ी को 5 मिनट के लिए ढक दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी थिक हमारी सब्ज़ी, कितनी टेस्टी बनी हुई है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसके अलावा पनीर की कोई सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। ये देखिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है ये सब्ज़ी। एक बार आप इसे बनाएंगे तो आप हमेशा इसी तरह बनाना पसंद करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।